गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज बिजेन सिंह, आई एम योर SST टीचर इन विक्टोरियस इंटरनेशनल स्कूल। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर सेकेंड चैप्टर विच नेम इज आवर यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड। टॉपिक इज द यूनिवर्स एंड हेवनली बॉडीज, हाँ, हमारा ब्रह्मांड और उसमें जो है आनंददायक और आश्चर्यजनक जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जिसे ईश्वर ने बनाया है उन्हें हम हेवनली बॉडी कहते हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हेन यू लुक एट द स्काई, जब हम जो है जब तुम आकाश की ओर देखोगे तो इट अपीयर्स टू बी एंडलेस। तो आप क्या देखते हैं, आकाश कैसा है, अनंत है, दूर दूर तक फैला हुआ है, जिसका कोई अंत नहीं होता, एंडलेस है। हाँ, द वेस्ट ओपन स्पेस दैट वी सी फ्रॉम आवर अर्थ इज कॉल्ड द यूनिवर्स। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर देखते हैं तो बहुत दूर दूर तक एक जो है ओपन एरिया दिखाई देता है, इसे हम यूनिवर्स या ब्रह्मांड कहते हैं। ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडी। वे सभी प्राकृतिक वस्तुएं जिन्हें हम आसमान में देखते हैं वो हेवनली बॉडी या आप कह सकते हैं आनंददायक और जो है स्वर्गीय वस्तुएं होती हैं। ठीक है, सम ऑफ द हेवनली बॉडीज आर, आप इसके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं, हाँ, द सन, मून्स, स्टार एंड प्लैनेट्स, यानी द सन, सूरज, चांद, तारे और ग्रह। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ दीज हेवनली बॉडीज। आइए चलिए इन जो है हेवनली बॉडीज का हम अध्ययन करते हैं। एट नाइट, जब आप रात में वी सी, हम देखते हैं क्या, काउंटलेस स्टार शाइनिंग इन द स्काई। जब हम रात में होते हैं तो हम आसमान की ओर देखते हैं तो पता लगता है अनगिनत तारे जो है चमक रहे हैं, शाइनिंग कर रहे हैं। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस। जो तारे होते हैं वो बहुत बड़ी एक गोला होता है जिसमें आप कह सकते हैं ज्वलनशील गैसों से बना हुआ एक गोला होता है। ठीक है, द बर्निंग गैसेस गिव आउट लाइट एंड हीट। तो जो ज्वलनशील गैसें होती हैं वो प्रकाश और ताप को बाहर फेंकती हैं या निकालती हैं। देयरफॉर द स्टार्स हैव देयर ऑन लाइट एंड दे शाइन। तो इसलिए क्या होता है, स्टार्स के पास अपनी खुद की रोशनी होती है और वो चमकते हैं। ठीक है, हमारी दे अपीयर वेरी स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे। आपने देखा होगा कि हमको चांद बड़ा लगता है और तारे बहुत छोटे छोटे लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि चांद जो है वो पृथ्वी के पास है और तारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो वस्तु हमारे नज़दीक होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है और जैसे जैसे वो वस्तु हमसे दूर चली जाती है तो वो हमको छोटी नज़र आने लगती है। वी कैन नॉट सी द स्टार ड्यूरिंग द डे। हम तारों को दिन में नहीं देख सकते बिकॉज ऑफ द ब्राइट लाइट्स ऑफ द सन। सूरज की जो रोशनी होती है बहुत तेज और चमकदार होती है जिसकी वजह से हम तारों को दिन में नहीं देख पाते हैं। द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार। और यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना है, बहुत सारे हजारों तारे मिलकर और हजारों तारों का समूह मिलकर जो है ब्रह्मांड बना है। ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडी टुगेदर फ्रॉम ए गैलेक्सी। और हजारों बहुत बड़े ग्रुप, ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्टार्स, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा समूह तारों का बहुत बड़ा समूह, एंड अदर्स हेवनली बॉडीज, और बहुत सी और भी जो है स्वर्गीय वस्तुएं टुगेदर जब एक साथ रहती हैं, कहाँ, हमारी गैलेक्सी में। ठीक है, तो हमारी गैलेक्सी में बहुत सारे अनगिनत तारे या तारों का समूह और बहुत सारी हेवनली बॉडीज एक साथ रहती हैं। देयर आर मैनी गैलेक्सी इन यूनिवर्स। और हमारा जो ब्रह्मांड है इसमें ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सियाँ
एक साथ रहती हैं, ठीक है। आवर अर्थ इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, हमारी जो पृथ्वी है वो एक पार्ट है मिल्की वे गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का सिर्फ एक हिस्सा है, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं, पृथ्वी होती है, पृथ्वी के ऊपर दिखने वाला जो है पूरा आसमान है, और उस आसमान में अनगिनत तारे और बहुत सारे प्राकृतिक और सुंदर रचनाएं जो ईश्वर ने बनाई हैं वो वहाँ मौजूद हैं, ठीक है। और वो तारे और प्राकृतिक रचनाएं मिलकर जो है गैलेक्सी बनाती हैं, और हमारी यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सियां हैं, और हमारी पृथ्वी मिल्की वे नाम की गैलेक्सी का एक मात्र हिस्सा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में कल की वीडियो में बताएंगे।